खबर वाराणसी से है, जहां भारतीय पथ विक्रेता संघ वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा आज पर्यावरण दिवस व परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अवतरण दिवस के अवसर पर दीनदयालपुर स्थित प्राइमरी पाठशाला विद्यालय में वृक्षारोपण कर योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस मनाया गया। वहीं पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सारनाथ पार्षद अभय पांडे जी से थे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि भाजपा महानगर मंत्री विजय चौरसिया थे। पर्यावरण के बारे में संस्था के संरक्षक व हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मनित पांडे ने पर्यावरण को बचाने हेतु सभी को वचन दिलाया तथा साथ ही प्राइमरी पाठशाला में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सचिदानंद सिंह देवंसिया, आशीष कुमार गुप्ता, बाकी लाल, रोहन अग्रहरी, मंगल सिंह, सुनील केसरी, गणेश चौरसिया, प्रमोद ठाकुर, प्रदीप गुप्ता, रमेश मौर्य, रमेश राजभर, नीतीश राजभर, रामजी भरद्वाज, भोला भरद्वाज व प्राइमरी पाठशाला के सहायक अध्यापक अरविंद सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज पर्यावरण दिवस है और साथ ही हमारे आराध्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी जन्म दिवस भी है। दोनों साथ में ही हम लोग मना रहे हैं कि पेड़ लगा करके हम संदेश दे रहे हैं। ये विद्यालय प्रांगण है जिसमें कि हमारे यहाँ पार्षद अभय भैया, ब्रजेश भैया, सभी लोग आकर के भारतीय पथ विक्रेता संघ के पदाधिकारी सभी लोगों ने नीम का पेड़, आम का पेड़ और फूल के पेड़ सभी लगाए गए हैं। आज जिस सब तरह से गर्मी बढ़ रही है, तापमान का 45 डिग्री के ऊपर तापमान हम लोगों ने देखा है, उसी तापमान का असर रहा कि चुनाव में लोगों ने मतदान नहीं किया है, मतदान प्रतिशत गिरा है, इसी गर्मी का असर रहा। इस वजह से गर्मी को, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पेड़ अत्यंत आवश्यक है। ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है, हर परिवार को एक जिम्मेदारी के रूप में, नैतिक कर्तव्य के रूप में इसे लेना होगा हाथ में, और आने वाली लड़ाई पर्यावरण संरक्षण की होनी चाहिए जिसमें कि हम प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करें, साथ ही जो भूजल है उसका जो दोहन हो रहा है उसको भी हम रोकने का, क्योंकि आने वाले समय में पानी की भी लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। पीने वाले पानी के लिए पूरा विश्व जूझ रहा है। आज हम मजबूर हैं 25 से 30 रुपया लीटर बोतल खरीद के पानी पीने के लिए। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण करना अनिवार्य है। तो मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर आज हम पदाधिकारी शपथ लेते हैं कि जिस तरह से योगी जी ने समाज को, एक हिंदू समाज को एक रास्ता दिखाया है, एक नेतृत्व दिया है, उसी तरह हम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नेतृत्व के रूप में हम कार्यकर्ता अपने हाथ में लेकर के आने वाले समय में इस पृथ्वी को, इस वातावरण को हम हरा भरा करने का संकल्प ले रहे हैं। यहाँ वृक्षारोपण दिवस के अवसर पर प्राइमरी पाठशाला दीनदयालपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम माननीय योगी जी का जन्मदिवस भी यहाँ पर मनाए हुए, हमारे बीच में तमाम हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी आए हुए हैं। आज देख ही रहे हैं वातावरण का क्या असर पड़ रहा है। हम अपने सभी प्रतिक्रियाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि जहाँ जाओ अपना दुकान लगाते हैं वहाँ पर वृक्ष जरूर लगाएं। अध्यक्ष जी, पर्यावरण का कैंसर पॉलीथीन को बोला जाता है, चोरी छुपे अभी भी इस्तेमाल चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं जो इस्तेमाल करते हैं? ये तो पहली बात, तो पॉलीथीन हम लोग जहाँ जहाँ अपने हमारे पथ विक्रेता बाजार समितियाँ उनको यही हम लोग कह रहे हैं कि अपने ग्राहकों को ये कहने का प्रयास करें कि जब भी आए तो घर से थैले लेकर आए। हम कोशिश यही करते हैं अपने पत्रकारिताओं को जागृत करने का कि पॉलीथीन न चले। लेकिन हम आपके द्वारा ये भी मांग करते हैं प्रशासन से कि जो ये बनाने का काम चल रहा है उसको भी बंद करने का काम किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है आपके घर की एसी, आपके घर का फ्रिज, आपके घर का कूलर। क्या लगता है कि इन सभी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करके भी हम लोग पर्यावरण के प्रति अच्छा इस्तेमाल अपना कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से आधुनिक बढ़ रहा है, हम सबसे बड़ा काम ये करें कि अगर हम अपना ये मान लें, वचन ले लें कि हम सभी लोग एक वृक्ष लगाएंगे तो इससे हम क्या कला पर्यावरण को बचा सकते हैं। रह गई एसी या कूलर को बंद करने की बात, तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम पर्यावरण को संरक्षित कर लें ये सबसे बड़ा काम है।